हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम एट माय सैलून. मैं अपने सैलून में चाह और बिफोर दिवाली तैयारी कर रही हूँ दिवाली की. एंड आई एम चेंजिंग माय हेयर कलर. सो मैंने काफ़ी देर हूँ किसी अपना हेयर कलर कराए, और वैसे भी 8-9 months तो लॉकडाउन चल रहा है. सो मैंने लग गया कि मैं हम थोड़ा चेंज करा अपना हेयर कलर बिकॉज दिवाली है. एंड और उस तो बाद मैं करती रहनी हूँ चेंज. मैं कुछ कुछ अपने हेयर के नाल एक्सपेरीमेंट्स करती रहनी हूँ, और करने भी चाहिए. थोड़ा हमेशा जोड़ा हेयर कलर है ना, वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ी चूज़ करना चाहिए. अगर थोड़ी स्किन डार्क है तो तुम ज़्यादा लाइट कलर्स वाल नहीं जा सकते. अगर थोड़ी स्किन फेयर है जिदा मेरी है, फिर तुम लाइट कलर जिमें ब्लॉन्ड हो गया एक्सपेरीमेंट कर सकते हो. बिकॉज कई बार देखने आया कि साड़ा जो स्किन टोन होंगी वो थोड़ी डार्क होंगी है, वीटिश होंगी है. एंड असी कलर जो हेयर कलर है बड़ा लाइट करा लें, ब्लॉन्ड वाल या स्ट्रीक्स करा लें, वो आप सानू सूट नहीं करते. सो असी बड़े अजीब लगते हैं. ऑलवेज तुम जो तो भी हेयर कलर करवाना, नैट पर पहला सर्च करना है. अजकल तो बड़े आई डोंट नो पंजाब जितना है या नहीं है, आई थिंक हो गया. बॉम्बे में थोड़ा फेस कंप्यूटराइज हों, थोड़ा फेस पहला उत्थे कंप्यूटर च पाते हैं एंड फिर उद्दे हेयर स्टाइल बनाते हैं कि तुहानू केड़ा हेयर कट अच्छा लगेगा, तुहानू केड़ा हेयर कलर तुहानू सूट करेगा थोड़े फेस से, थोड़े कॉम्पलैक्शन के उत्ते. सो जो भी तुम हेयर कट करवाना है, तुम सब तो पहला ट्राई करना है कंप्यूटर के विच कि थोड़े फेस से केड़ा हेयर कट, केड़ा कलर थोड़े कॉम्पलैक्शन के नाल जाएगा. समटाइम असी फिल्म स्टार्स को देख के हेयर कट या हेयर कलर करा लें जो सानू बिल्कुल भी सूट नहीं करता. सो जो भी तुम किसी पार्टी ली, किसी फंक्शन ली, किसी मैरिज ली तुम जाना है या अपना हेयर कट करवाना या हेयर कलर करवाना है, सब तो पहला तुम ट्राई कर कि नहीं कि मैं सूट करेगा या नहीं करेगा. अगर तो सूट करेगा दैन यू शुड गो फॉर इट. अगर सूट नहीं करेगा दैन यू शुड नॉट गो फॉर दैट, बिकॉज उसके नाल की होएगा फिर तुम बड़े अजीब लगोगे. सारे थोड़ा कहेंगे अरे आ की कर लिया. मेरिया बड़िया फ्रेंड्स है जिन्होंने देखा देखी नो कि गुडलीन का हेयर कलर इदा, तो असं भी इदा का कराना. उन्होंने करा तो लिया बेचारिया ने, बट बाद उन्होंने सूट ही नहीं किया. उन्होंने किसी के करली हेयर से, किसी के कॉम्पलैक्शन डार्क सगा. सो बहुत उन्होंने बेचारियों का वियर्ड लगना शुरू हो गया. एंड उन्होंने जॉब भी कुछ यहोजी सी, फिर उन्होंने दोबारा पैसे लगा के बैक टू अपने नॉर्मल ब्लैक कलर में आना पाया. सो प्लीज़ तुम जो भी किसी ने हेयर कलर करवाना है, अपने कॉम्पलैक्शन के हिसाब न करवाना है, अपनी स्किन टोन के हिसाब न करवाना है. सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सारे जाने जाओ, दिवाली दी तैयारियां करो, ढेर सारी शॉपिंग करो, पार्लर जाओ. एंड मैं बड़ी जल्दी थानू दिवाली ग्लोइंग फेस पैक भी दसांगी. बाय बाय, टेक केयर, लव यू.